नमस्कार दोस्तों, वाईफाई गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो संस्कृत विभाग में वैकेंसी निकली थी, उसका एग्ज़ाम फरवरी में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों, आरपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो आइए उसमें दिखाऊँगा मैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान में आंदोलन, गुर्जर आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से आरपीएससी ने, आरएमएसएसबी ने 3 परीक्षाएं स्थगित करी है। तो उसी के चलते विद्यार्थियों में ये संशय बना हुआ है कि आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो उसके सभी डाउट क्लियर मैं इस वीडियो में आपको करूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आरपीएससी ने जारी किया है। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं जो ऑफिशियल प्रेस नोट है, वो आप देख सकते हैं जो जारी हुआ है, जो आरपीएससी ने किया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि आरपीएससी प्रेस नोट, और यहां पर आप डेट भी देख सकते हैं, 12/2/2019, कल शाम को ये जारी किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं, पूरी खबर इसमें दी हुई है। तो देखिए क्या है, आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 का आयोजन दिनांक 17/2/19 को सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र एक सत्र में 9:30 से 11:30 बजे तक होगा, और ऐच्छिक विषयों के प्रश्न पत्र 17/2/19 के बीच में 2:30 से 5:00 बजे तक होगा। एवं दिनांक 18/2/20 को रात 9:30 से 12:00 बजे तक, और दोपहर 2:30 से 5:00 बजे तक दो सत्रों में समस्त संभागीय जिला मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें ये भी बताया गया है कि जो प्रवेश पत्र हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे कि आपने चेक कर लिया होगा, प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं। और दोस्तों, हम यहाँ पर पूरी खबर देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ बताया कि परीक्षा होगी, और उन्होंने प्रेस नोट जारी करके इसीलिए बताया क्योंकि कुछ विद्यार्थी संशय में थे कि गुर्जर आरक्षण के चलते यहाँ पर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन उन्होंने सभी डाउट को क्लियर करते हुए प्रेस नोट जारी किया और इसमें बताया कि एग्ज़ाम होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी खबर है, इसमें बताया कि कौन कौन सी पारी में एग्ज़ाम होगा, और सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, आप इस प्रेस नोट को देख सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने बताया कि प्रेस पत्र वेबसाइट, आरपीएससी की वेबसाइट या फिर SSOID पर आप देख सकते हैं, लॉगिन करके अपना प्रेस पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर एक फ़ोटो एवं मूल फोटो पहचान पत्र अवश्य परीक्षा के समय 2 घंटे पूर्व उपस्थित हो जाएं, अर्थात एक फ़ोटो और मूल पहचान पत्र लेकर के परीक्षा सेंटर पर 2 घंटे एग्जाम से पहले उपस्थित होना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहचान पत्र के अभाव मूल अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, इन्होंने एक साफ साफ एक बात और कही, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, विद्यार्थियों को परेशानी आती है क्योंकि कपड़े उतरवाए जाते हैं तो उसमें बड़ी समस्या आती है, तो उसके चलते उन्होंने नोट भी जारी किया है कि उक्त परीक्षा के समस्त अभ्यर्थियों को सर्दी के मौसम के मद्देनज़र गर्म कपड़े व शूज पहनकर परीक्षा में बैठने का अनुमति किया जाएगा। तो दोस्तों, उन्होंने साफ साफ ये भी बताया कि जो सर्दी के मद्देनज़र रखते हुए विद्यार्थियों को सूज और जो जर्सी से बच वो सॉरी सर्दी से बचने के लिए जो भी अपन जर्सी वगैरह पहन सकते हैं वो सभी अलाउ होगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार जर्सी नहीं पहन सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी, और उन्होंने ये साफ साफ बताया कि एग्ज़ाम 17 से ही स्टार्ट होगा। ये पूरी जानकारी है, और ये पूरी जानकारी दोस्तों आप देख सकते हैं, पूरी ऑफिशियल वेबसाइट से ये प्रेस नोट डाउनलोड किया है मैंने, तो आप भी वहाँ से देख सकते हैं। और ये पूरा प्रेस नोट है वो कल शाम को ही जारी हुआ है, और इसमें सभी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो और अपनी तैयारी जारी रखें, एग्ज़ाम 17 से स्टार्ट होगा, गुर्जर आरक्षण के चलते एग्ज़ाम प्रभावित नहीं हो पाएगा। तो और दोस्तों, ये जैसे ही अगर कोई सूचना मिलती है, अगर किसी कारणवश ज़्यादा ही जैसे समस्याएँ हो जाती है, क्योंकि साधन नहीं चल रहे हैं, ट्रेन नहीं चल रही, बस नहीं चल रही, तो रोड जाम है, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो वैसे आएगी, लेकिन हो सकता है कुछ तब तक सुलझा हो जाए कि गुर्जर जो आरक्षण चल रहा है वो बंद हो जाए, तो परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके चलते दोस्तों, आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, तैयारी जारी रखें, और जैसे ही कोई आरपीएससी प्रेस नोट जारी करता है या फिर एग्ज़ाम को पोस्टपोन को लेकर बताता है, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो दोस्तों, इसलिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, जो करंट अफेयर्स के लिए हम डेली वीडियो डाल रहे हैं, तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स डेली की देख करके अपने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आते हैं आजकल, क्योंकि दोस्तों सभी एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही दोस्तों RPSC के द्वारा कोई भी जानकारी दी जाएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे, तो इसलिए चैनल साथ सब बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।